ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई। राम नाम औखद दिया, एका लिव लाई। रहाओ राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई। कहो नानक कृपा पई, प्रभ पै सहाई। भाई लहना जी ने दिल लगाकर गुरु साहिब जी की सेवा की और उनका हर हुक्म माना। एक बात की बात है, काफ़ी संगत आई हुई थी गुरु नानक देव जी के दर्शनों के लिए। गुरु साहिब जी ने साहिबजादा श्री चंद जी से पूछा, संगतों के लिए प्रसादों के लिए क्या है? संगत आई है, संगतों के लिए कुछ मीठा है? श्री चंद जी ने कहा, नहीं, और इतनी जल्दी प्रबंध भी नहीं हो पाएगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, तो फिर ये सामने जो दरख्त है, जाकर इसे हिलाओ और मिठाइयाँ गिरेंगी, जो मिठाई गिरे वो संगत को छका दो। श्री चंद जी ने उत्तर दिया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अब बुजुर्ग हो गए हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं? ये तो झंड का दरख्त है, ठीक से इस पर कोई फल भी नहीं लगता, मिठाई कहाँ से लगेंगी? सामने खड़े दूसरे साहबजादे पाई लक्ष्मीदास जी से गुरु नानक देव जी ने कहा, जाओ जाकर दरख्त हिलाओ, मिठाइयाँ गिरेंगी और संगत में बरताओ। लक्ष्मीदास भी बोलने लगे, ये कैसे हो सकता है? पेड़ पर भी कभी मिठाई उगती है? गुरु नानक देव जी ने आखिरकार जाकर पाई लहने जी से कहा, जाओ जाकर पेड़ को हिलाओ। गुरु नानक देव जी का आदेश सुनकर पाई लहना जी दरख्त की ओर हुए। इस पर श्री चंद जी ने कहा, पाई लहना जी कहाँ जा रहे हैं आप? पेड़ों पर भी कभी मिठाई उगी है? इस पर पाई लहना जी ने उत्तर दिया, मेरे गुरु ने हुक्म दिया है, मिठाई गिरे ना गिरे, इससे मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे तो गुरु का हुक्म मानना है। इसी प्रकार पाई लहना जी ने जाकर दरख्त को हिलाया और वहाँ से खूब सारी मिठाइयाँ गिरी। पाई लहना जी ने दरख्त पर चढ़कर भी उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ चुनी और संगतों को चखाईं। इसी प्रकार एक बात की बात है, गुरु नानक देव जी ने चलते चलते एक लोटा कीचड़ में फेंक दिया और कहा, श्री चंद जी जाकर वो लोटा ले आओ। श्री चंद जी ने उत्तर दिया, गुरु जी मैंने देखा आपने खुद ही लोटा फेंका है, जब ये लोटा लेकर आना ही था तो इसे कीचड़ में फेंका ही क्यों? मैं आपका साहिबजादा हूँ, कीचड़ में उतरता हुआ क्या अच्छा लगूंगा? मेरे कपड़े कीचड़ से भीग जाएंगे। लक्ष्मीदास जी से कहा, उन्होंने भी कहा, आपने फेंका ही क्यों? गुरु साहिब जी ने पाई लहने जी को कहा कि जाकर वो लोटा ले आओ। पाई लहने जी ने देरी नहीं की, उसी वक्त जाकर कीचड़ में उतर गए और जाकर वो लोटा ले आए और गुरु साहिब जी के चरणों में रख दिया। गुरु साहिब जी ने कहा, पाई लहनिया, तूने सारी मनुता को कीचड़ से निकाल दिया है, जो कीचड़ में उतरता है वही संसार का उद्धार कर सकता है। ये तो गुरु साहिब जी ने इम्तिहान लिया था और इम्तिहान में पाई लहना जी खरे उतरे थे। एक बात की बात है, गुरु साहिब जी आगे आगे चल रहे थे और काफी संगत उनके पीछे थी। गुरु साहिब जी ने पहले तो उन सभी को जाने को कहा, पर कोई नहीं लौटा। गुरु साहिब जी ने सोने की मोहरे फेंकी, कुछ लोगों ने उसे उठा ली, पर फिर भी कुछ लोग उनके पीछे पीछे ही चलते रहे। गुरु साहिब जी ने अब चांदी की मोहरे फेंकी, बाकी बचे कुछ लोगों ने वो भी उठा ली। आखिरकार सिर्फ पाई लहना जी वहाँ रह गए। गुरु साहिब जी ने पूछा,
बाकी सभी संगतों ने सोना चांदी उठा लिया, पर एक आप ही मेरे पीछे आ रहे हैं। भाई लेलन जी ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं आपके सिवा, मुझे अपना बना लें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सचमुच हमारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही होता है कि हम जब गुरु को मांगते हैं, पर हमें जब गुरु कुछ दे देता है तो हम पदार्थों के पीछे दौड़ने लगते हैं और गुरु को भूल जाते हैं। पर पाई लेना जी उन सबसे अलग थे जो सिर्फ और सिर्फ गुरु को ही चाहते थे। उन्हें पदार्थों से कोई मोह नहीं था, सोना चांदी उनके लिए कुछ नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ गुरु का प्रेम ही चाहिए था। इसी प्रकार हर बार पाई लेना जी परीक्षा में पास होते रहे। एक बार तो ऐसी परीक्षा आई कि गुरु नानक साहब जी ने संगतों को बुलाया, पाई सीचंद जी को कहा, ये सामने मुर्दा है, इसे खाओ। पाई सीचंद जी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, हम मुर्दा कैसे खा सकते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरु जी। गुरु साहब जी ने पाई लक्ष्मीदास जी से कहा, इस मुर्दे को खाओ। पाई लक्ष्मीदास जी ने वही उत्तर दिया, आप भोलेपने की बातें कर रहे हैं, हम मुर्दे को कैसे खा सकते हैं। सामने खड़े पाई लैने जी को गुरु साहब जी ने बुलाया और कहा, इस मुर्दे को खाओ। पाई लैने जी ने गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरु जी आज्ञा दो और बताओ मैं इसे ऊपर से खाऊं या नीचे से। पाई लैने जी ने मुख की तरफ से मुर्दे पर से चादर उठाई और क्या देखते हैं, वहां पर कड़ा प्रसाद की देग थी। सभी संगत देख के हैरान हो गई। गुरु साहब जी ने पाई लेना जी की परीक्षा ली थी और हर बार की तरह पाई लेना जी परीक्षा में सफल हुए थे। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने पाई लेना जी को गले लगा लिया और कहा, आज से आप पाई लेना नहीं पाई अंगद देव जी हो। गुरु नानक देव जी ने पाई लेना जी को गुरुगद्दी पर बिठाया, 5 पैसे और नारियल रखा। गुरु अंगद देव जी अब सिखों के दूसरे गुरु बन गए थे, उनकी सेवा सफल हुई थी। गुरु अंगद देव जी ने गुरुगद्दी पर बैठकर सिखी का प्रचार किया, वे बच्चों को पढ़ाया करते थे, गुरुमुखी का पाठ भी पढ़ाया करते थे, वे संगतों को गुरु घर की तरफ जोड़ते थे। गुरु नानक देव जी का उपदेश जो था वो उन्हें सिखलाया करते थे। गुरु साहब जी का इतिहास सुनाते हुए, आप जी के बच्चे से बहुत सारी गलतियां हो गई हैं, अपना अनजान बच्चा जान के माफ़ करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।